हेलो दोस्तों, आज हम आपको लिए चलते हैं यूरोप का एक बेहद ही खूबसूरत देश नीदरलैंड। नीदरलैंड यूरोप के उत्तरी छोर में बसा एक विकसित देश है। इस देश का कुल क्षेत्रफल 41,543 वर्ग किलोमीटर है, अर्थात आकार के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये हमारे देश के एक छोटे से राज्य हरियाणा के बराबर है। दोस्तों, इस देश की पूर्वी सीमा में जर्मनी तथा दक्षिणी सीमा बेल्जियम से मिलती है और इसकी उत्तरी और पश्चिमी सीमा में समुद्र लहराता है। इस देश को कुल 50 प्रांतों में बांटा गया है। इस देश की राजधानी एम्स्टर्डम है, जो कि इस देश का सबसे बड़ा शहर तथा यूरोप के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। दोस्तों, इस देश की कुल जनसंख्या 1,73,00,000 के आसपास है। दोस्तों, अगर धर्म की बात की जाए तो इस देश की आधी आबादी नास्तिक है, यानी कि ये लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, और तकरीबन 23% लोग रोमन कैथोलिक धर्म को मानते हैं। यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज डच है, जो कि यहाँ पे सबसे ज्यादा बोली जाती है। दोस्तों, अगर करेंसी की बात की जाए तो इस देश का करेंसी हमारे देश के रुपये से तकरीबन 85 गुना ज्यादा मजबूत है, यानी कि 1 यूरो बराबर भारत के 85 रुपये के बराबर होता है। दोस्तों, इस देश का कॉलिंग कोड +31 है और लोग यहां पर दाहिनी तरफ गाड़ी चलाते हैं। हॉलैंड और नीदरलैंड दोनों एक ही देश। दोस्तों, कई लोगों के मन में सवाल होता है, हॉलैंड और नीदरलैंड दो अलग अलग देश हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूं, हॉलैंड कोई अलग देश नहीं है, यह तो नीदरलैंड का ही एक हिस्सा है, जो कि नीदरलैंड के उत्तरी और पूर्वी हिस्से को कहा जाता है। तो अब आपके मन में डाउट क्लियर हो गया होगा कि हॉलैंड कोई अलग देश नहीं है, बल्कि ये तो नीदरलैंड में ही स्थित है। यूरोप का सबसे निचला देश, जी हाँ दोस्तों, लो कंट्री ऑफ यूरोप। दोस्तों, यूरोप के 3 देश बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को यूरोप का लो कंट्री कहा जाता है, यानी इन देशों का जो लैंड है ना, वो समुद्र तल से काफी नीची है, जिसकी वजह से इसे यूरोप का लो कंट्री कहा जाता है। दोस्तों, नीदरलैंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र तल से तकरीबन 1 मीटर नीचे होने के कारण इसने अपने समुद्र किनारों में तकरीबन 1495 किलोमीटर लंबा दीवार बनवा रखा है, ताकि समुद्र पानी देश के अंदर ना आ पाए। अगर यह दीवार को हटा दिया जाए ना, तो तकरीबन आधा नीदरलैंड पानी में डूब जाएगा। यही वजह है कि नीदरलैंड में नदी, कनाल और झीलें लगभग 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। साथ ही साथ नीदरलैंड के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं, जहां पर यातायात के लिए सड़क से ज्यादा कनाल का इस्तेमाल किया जाता है। विंड एनर्जी का सही उपयोग। दोस्तों, नीदरलैंड विंड एनर्जी का इस्तेमाल सदियों से करता आ रहा है। यहाँ पर विंड मिल का इस्तेमाल वृहद संख्या में आज भी किया जाता है। आपको बताता चलूं, विंड मिल एक तरह का हवा से चलने वाली पंप होती है, जिसे सदियों से नीदरलैंड में पानी उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ऐसे तकरीबन 1000 से भी ज्यादा विंड मिल आज भी प्रचलित में है। साथ ही यहाँ पर पवन चक्की का भी इस्तेमाल वृहद संख्या में किया जाता है। बड़े बड़े पंखों वाली यह मशीन के द्वारा बिजली बनाया जाता है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि नीदरलैंड अपनी जरूरत की 85% बिजली विंड एनर्जी से ही उत्पादन करती है, और यही वजह है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रेन भी विंड एनर्जी से ही चलती है। यूरोप का बेहद ही आकर्षक देश। दोस्तों, पर्यटन के लिहाज से नीदरलैंड यूरोप का सबसे खूबसूरत देशों में से एक है। दोस्तों, इस छोटे से देश को हर साल तकरीबन 2 करोड़ लोग घूमने के लिए आते हैं। दोस्तों, यहाँ का मुख्य आकर्षक प्लेस यहाँ की राजधानी एम्स्टर्डम है। दोस्तों, नीदरलैंड यूरोप की उत्तरी छोर में स्थित होने के कारण यहाँ का मौसम पल पल बदलता रहता है। यहाँ पर आपको एक ही दिन में तकरीबन 4 तरह का मौसम देखने को मिल सकता है। सुबह के समय रिमझिम बारिश, दोपहर के समय खिलखिलाती धूप, शाम के समय सुहानी हवा और रात के समय कड़ाके की ठंड आपको देखने मिल सकती है। दोस्तों, साथ ही इन शहरों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए यहाँ के गवर्नमेंट ने पूरे शहर में छोटे छोटे फूलों के बगीचे देखने को आपको मिल जाएंगे, जो कि इस शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है।
साथ ही नीदरलैंड के कुछ समुद्री तट विश्व के सबसे खूबसूरत समुद्री तटों में से एक है। दोस्तों नीदरलैंड के ज्यादातर शहर समुद्र के किनारे ही बसे हुए हैं, जैसे कि द हेग जो कि नीदरलैंड की पुरानी राजधानी थी, रोटरडैम जो कि यूरोप का सबसे पुराना बंदरगाह है, और एम्स्टर्डम जो कि इस देश की राजधानी है। नीदरलैंड द्वारा ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड का खोज। दोस्तों जिस तरह भारत का खोज वास्को डिगामा ने, चीन का खोज मार्को पोलो ने तथा अमेरिका का खोज कोलंबस ने किया था, ठीक उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड का खोज नीदरलैंड के ही एक नागरिक एबल तस्मान को जाता है, जिसने सन 1642 ईस्वी में एक समुद्री यात्रा के दौरान पहली बार न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को देखा था। दोस्तों यही कारण है कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मौजूद सागर को तस्मान सागर कहा जाता है। महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का आविष्कार। दोस्तों नीदरलैंड की प्रसिद्ध कंपनी फिलिप्स ने ही सन 1967 में ऑडियो टेप, 1972 में वीडियो टेप, 1982 में सीडी और सन 1985 में सीडी रोम का आविष्कार किया था। दुनिया की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक फिलिप्स का हेडक्वार्टर भी नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में ही स्थित है। साथ ही दुनिया का सबसे पहला बल्ब भी एम्स्टर्डम में ही आविष्कार किया गया था, जिस वजह से इस शहर को सिटी ऑफ लाइट भी कहा जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, पेंडुलम घड़ी का भी आविष्कार 16वीं शताब्दी में नीदरलैंड में ही किया गया था। अगर कभी मौका मिले तो आप नीदरलैंड जाना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।